हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू ऑल आर गोइंग वेल। वेलकम है आपका संगीता नया चैनल पे। आज सुबह भी थकान लग रही थी तो मॉर्निंग का मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे इवनिंग से। आज कुछ थकान सी लग रही थी, स्कूल से आके थोड़ा सा और मैशी हो गया। आज घर मैशी नहीं, मतलब मैं इरिटेटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे भाई तो ना कि मैम ट्यूशन पढ़ाई थी एज यूजल, स्कूल से कुछ आर्टिकल लिखने वखने का कुछ काम मिला था तो वो एक्स्ट्रा हो गया, वो मैम नहीं करा पाई, मुझे फिर से कराना पड़ेगा। दूसरा, मेरी छुटकी यानी भी तुरंत आ गई। मतलब मुझे काम नहीं करना, लेकिन मैनेज तो करना होता है। किचन खाली करो, कपड़े धो, धुलने के लिए निकालो, और पहले रूम मैनेज कर लो, बेडशीट चेंज कर लो, सारी चीज़ें चेंज करो, उसके बाद ही तो वो अपना काम करती है। तो आज मैं पजल हो गया, एक्चुअली पजल थी स्कूल से ही, तो आज थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रही है। और बाबू का अभी जो है काम नहीं पूरा हुआ है, तो बाबू अभी थोड़ा सा अपना काम कर रही है, राइटिंग वर्क कर रही है ना। है से गुड इवनिंग एवरीवन। यस, हाउ आर यू अनाया? फाइन। आज अनाया, अनाया स्कूल गए थे आज? नहीं गए थे भाई। मैंने हाँ, मन नहीं क्या? आज ना इतनी भी थोड़ा सा टायर्डनेस लग रही थी सुबह, तो मैंने सोचा भेज भी दूंगी जबरदस्ती, फिर पता नहीं इसका स्कूल में तबीयत कैसा रहे, तो फिर आज इन्होंने छुट्टी मारी, कल ये जाएंगी। यस अनाया, चलो। सो अनाया की थोड़ा सा मैं हेल्प कर देती हूँ वर्क करने में। सो थकान तो थी, लेकिन मूड हो गया थोड़ा सा ठीक, क्योंकि मेरा जो पार्सल अमेजिंग पार्सल में पता है क्या है? मेरे मन की चीज, लेट्स सी, देखते हैं कैसी आई है। बैंगल्स, मैंने मंगाए थे बैंगल्स, बहुत ही प्यारे से। लग तो सुंदर रहा यार, दिख रहा है बहुत प्यारा है, देखते हैं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पहन सकते हैं, सुंदर लग रहा है। क्योंकि मैं ना बैंगल्स पहनती हूँ, एक हाथ में बैंगल पहनती हूँ, एक हाथ में मैं पहनती हूँ वॉच, तो सुंदर लगेगा ये। अच्छा, तो आज लग रही थी टायर्डनेस, तो मैंने खाना नहीं बनाया है। अन्नू भैया हमारे खाना जो है दे गए हैं, तो हम लोग ओपन। अच्छा हाँ, अन्नू भैया ने उनके ब्रदर दे गए हैं ना। कौन दे गया? अनाया, अनाया कौन दे गया? हाँ कौन दे गया इस पर भी मैं बताती हूँ। अन्नू भैया के छोटे भाई ही श्री प्रकाश, वो दे गए हैं। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी वही चलाते थे, अनाया बहुत छोटी थी तो उनका नाम था श्री प्रकाश, और अनाया नाम नहीं ले पाती थी ना, तो अनाया क्या कहती थी उनको? सापा कहती थी। यस, अनाया श्री प्रकाश नहीं बोल पाती थी, सापा बोलती थी। तो बहुत बड़े तक, आज तक जब भी वो आते हैं तो अनाया से कहते हैं देखो सापा भैया। उनका श्री प्रकाश नेम तो बिल्कुल वैनिश हो गया है, अब वो हो गए हैं सापा। सो इससे पहले के लेट हो, हम लोग शुरू करते हैं अपना खाना, ओपन करते हैं, चले। सो ओपन करते हैं हम अपनी प्लेट जो कि हमने मंगाई है, मेरी हमेशा से यही फेवरेट थी, अनाया को भी पसंद है ना। सो फर्स्टली इसको ओपन करते हैं, इसमें है हमारी रोटियाँ, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं तो यस, ऑलवेज की तरह, हमेशा की तरह है ये दाल, ये तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल है, और मिक्स है इसमें मैंने क्या किया, ये ग्रीन टोमेटो है शायद, हाँ जी ग्रीन एंड येलो टोमेटो है, और ये है अनाया की फेवरेट पनीर, पनीर के लिए, इस पनीर के लिए अनाया मंगाती है हमेशा यहाँ से खाना। और ये है बैंगन आलू मिक्स, और मटर भी है इसमें, टमाटर भी है, और ये है शायद कोफ्ता, नहीं बेटा कोफ्ता लुकिंग लाइक एग, बट ये कोफ्ता है या फिर मैं, हाँ ये कोफ्ता ही है बेटा, दाल का, ये दाल बड़ी है शायद, दाल बड़ी जो नहीं होती है, यस ये दाल बड़ी की सब्जी है, मैंने ये कभी नहीं सुना है। हाँ जी नहीं सुना है, खा के देखते हैं, इसमें गोभी भी पड़ा हुआ है शायद, दाल बड़ी गोभी की है। और ये है खीर, खीर जिसे ना मैं खाती हूँ ना आयना खाती है, ये एला खाती है, बेकार जाने वाली। और अचार ऑलवेज ये मेरा फेवरेट है। क्या बोलना चाह रही थी? हाँ सैलेड में है अनियन, टोमेटो, लेमन एंड ग्रीन चिली, और ये जो राइस है ना, राइस में उन्होंने कैरेट डाल रखा है, और पी डाल रखे, मटर डाल रखा है ना,
सो लेमन भी है इसमें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं खाना। सबसे पहले अनाया को शुरुआत करेंगे। अनाया किससे शुरुआत करेंगी? पनीर से। तो पहली बाइट लेते हैं हम पनीर की। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और ठंडा कर दूँ। और ये गई बाइट अनाया के माउथ में। सो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट बाइट लेती हूँ मिक्स वेज की, मतलब आलू बैंगन की। लाइट रहता है इनका खाना, इन द सेंस थोड़ा ऊपर ऊपर ऑयल लग रहा है, लेकिन मसाले इसमें बहुत लेस होते हैं। तो मतलब फीका सा हल्का सा लगता है, बहुत तेज मसाले नहीं लगते हैं। सो हम इंजॉय कर लेते हैं अपना डिनर। तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था अपना डिनर और अभी बना रहे थे अनाया का आर्टिकल स्कूल का मैथ का आर्टिकल। यस, पता है खाना खाने से पहले भी मैंने इनकी हेल्प की थी। इन्होंने इंग्लिश का भी आर्टिकल तैयार किया। यस अनाया, स्कूल के लिए और ये मैथ का। तो अनाया मैथ में क्या आपने तैयार किया, क्या बनाया है? है क्या ये, क्या है? हाँ क्या है ये, क्या लिखा है? हाँ, speak loudly. Shapes. Shapes names. Okay. Now read out one by one. Circle. Okay. Heart, okay. Square. Cone. Star. Triangle. Rectangle. भाई पता नहीं viewers को सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया। फिलहाल बाबू ने shapes name mention किए हैं। ये सुनाया? मैंने अपना name. हाँ नीचे भी यानी अपना बाबू ने अपना नेम मेंशन किया है। चलो इसको बैग में रख लेते हैं। बैग ले लीजिए जल्दी से, चाहिए। तो अनाया ने ये दो आर्टिकल्स तैयार किए हैं इंग्लिश एंड मैथ्स के, तो इनको हम रख देते हैं बैग में। अनाया मैथ बुक में मैं पैक करके रख। ओके, फिर आर्ट बुक में निकालो जल्दी से। हाँ इतनी बड़ी, हाँ यार इसमें फोल्ड नहीं होगा ठीक से, बच जाएगा लाइन। चलो ओपन करें। फोल्ड नहीं करना तो आराम से, चलो बंद कर दे। गुड, पैक कर लें बैग में। बस बस रख लें। सो अभी हम लोग फिनिश कर चुके हैं सारा काम। अनाया का बैग भी पैक हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर। बुआ बोल रही है आज तो बिल्कुल इनका चांद हो गई, आज तो दिखी ही नहीं। तो अब फिनिश हो गया काम। प्लस अनाया के पास दो सीजर्स हैं। कितनी सीजर्स थी अनाया? दो। और आपने क्या किया, क्या किया जोर से बताएं जरा। इनके पास दो सीजर थी, छोटी वाली। ये इतना खराब दिन भर बनाती है, दोनों की दोनों सीजर इन्होंने मिस कर दी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि ढेर सारा मुझे काम करना था। तो ये लाइन थी बुआ की सीजर। तो हम लोग जा रहे हैं बुआ की सीजर वापस करने, थोड़ा सा मस्ती भी कर लेंगे क्योंकि हम लोग सच में गए हैं। ओ इसके साथ मैं भी क्राफ्ट में, क्राफ्ट क्या जो भी असाइनमेंट था इनका उसमें लगे हुए थे। चले ऊपर। सोनाया जा रही है बुआ से मिलने ऊपर। सीजन लाई हो ना? बोलो चलो। तुम्हें ड्रामा ज्यादा आ रही ना, वर्क तुम्हारा पूरा हो गया, दैट्स व्हाई। चले चले यार। बुआ दिखी? अच्छा कर रही बुआ। फिर मैं क्या हाँ झड़ जाएंगे अपने आप। काफी मंगा ली हाँ इनके। कल क्या हुआ बुआ, क्यों कल कौन गुस्सा था बुआ से? हाँ हाँ क्या है वहाँ पे, स्टार है वो? एरोप्लेन नहीं है, एरोप्लेन है पता नहीं। नहीं वो है एरोप्लेन। कहा यार कुछ एरोप्लेन ही सब जगह स्टार्स ही है। नहीं अगर एक तरफ रेड लाइट, बात कर रही अगर एक तरफ रेड लाइट है और एक तरफ ग्रीन लाइट, वो देखो बुआ आपकी, बुआ आपके लिए टॉफी लाई। क्यों बुआ कल क्या हो गया था? चार चाहिए। नहीं 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 क्यों बुआ कल हुआ क्या था पता नहीं। कल अनाया जो है हो गई बुआ से गुस्सा। क्या बोली, बुला तो लेती है पर टॉफी नहीं देती। सब सारी ट्रॉफी मंगाई, सारी ट्रॉफी बुआ की कौन खाता है?
मैं क्यों पैसे दे रखे बुआ को है? बुआ खाती नहीं तो बुआ मंगाती क्यों? बुआ मंगाया भी ना करे। बुआ अब नहीं मंगाओगी। क्या हुआ? क्या है? कीड़ा देख लिया होगी। ये अब वो नहीं दिखेगी। कहाँ गई? अब वो गई काम से। है अब नहीं है। कौन सी कपड़े? अरे भैया तुम्हारे तो कपड़े ही हैं पूरे। हैं मेलोडी पीछे पड़ी। दिखाओ दिखाओ। ओ नो 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 जानबूझ ही करती है ना कि क्या नहीं अनाया में से डस्टबिन का यूज करती है। यार तुम्हारा ये जो है सही रखो। बच्ची गला बड़ा है क्या? क्योंकि सुबह की थी बाद में खोल दी इसने। खा लिया अकेले अकेले। अरे वाह इसको तो बहुत डांस भी आता है छत पे। विवश रात में आपने कभी भूत देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ आ जाए। ये रात का भूत नहीं अपने हाथ मम्मी के हाथ खाई नहीं खाएगी अच्छा कुछ बुआ पूछ रही। बुआ पूछ रही हलवा खाओगे गाजर का? अच्छा यहाँ वापस आओ अंदर पी लाइट रही कीड़े आ जाएंगे। मम्मी बेटा प्यार मोहब्बत। हाँ अच्छा बनाती मैं खाऊंगी ना। मैं खाऊंगी अनाया ने खा रही बुआ का हलवा तो बुआ कह रही अमृत मिलाती तुम्हारा खाती है केवल। है बुआ सही बात है अपनी लड़की नहीं बच्चों को अपनी मम्मा के हाथ का पसंद आता है ना। अच्छा तो मून को भी तो आप ही के हाथ का पसंद आता है। खाते खाते मेरे हाथ का पर कहता था ये कमी वो कमी। अनाया सुनो बुआ के साथ हलवा खा ली ना गई ये खाएगी नहीं। बहुत प्यार करता है बुआ बहुत प्यार करता है मेरा लाडो मुझको बहुत। शाम को ही टाइम मिलता हमको भैया के साथ में एंजॉय करने का। दिन भर तो सब अपना अपना बिजी रहते हैं भैया अपनी पढ़ाई में हैं। क्या हुआ नीचे नहीं जाना है? बस नीचे चलो नीचे कीड़ों से डरती है इतनी बड़ी लड़की इतने पिद्दे बड़ी। अभी बुआ तुमको फिर चिढ़ाएंगे। इतनी बड़ी लड़की इतने पिद्दे भर के कीड़े से डरती है। नहीं मेरा बच्चा ब्रेव है। क्या झटके लग रहे हैं मैं बार बार डर के घर के बाहर कर रही हूँ। सड़के कभी शांत नहीं रहती है कोई। तो मैं आ गई हूँ नीचे। बहुत देर तक मैं तृप्ति और बुआ टहलते रहे और काफ़ी अच्छा टाइम पास किया हम लोगों ने। मौसम ठंडा था ना ऊपर फ्रेश एयर रहती है। और बाबू आ गया था नीचे। यस बाबू नीचे आ गए थे ना। ये अपना टीवी देख रही थी इन्होंने कहा मैं ऊपर नहीं रुकूंगी। ये अपना टीवी में भगन थी। हम लोग ऊपर इंजॉय किए। अब हो गया स्लीपिंग टाइम तो अब हम लोग सो जाते हैं। यस चलो से गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। हाँ जी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। कीप वॉचिंग लाइक वाइज। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच।